अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लैबा। वेलकम टू लैबा फूड सीक्रेट। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ब्रेड बॉल, जो बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। ब्रेड बॉल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले मैंने ब्रेड ले ली है और मैंने बंद गोभी ले ली है, खीरा लिया है एक, उसको मैंने कटिंग कर लिया है, और शिमला मिर्च लिया है एक, उसको भी मैंने कटिंग कर लिया है, सोया सॉस लिया है एक चम्मच, चिकन लिया है उसे मैंने बॉयल कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फिर उसके रेशे कर लिए हैं, केचप लिया है, मायोनीज लिया है, ब्लैक पेपर लिया, काली मिर्च लिया है एक चम्मच, दरा मिर्च लिया एक चम्मच, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है हसबे जायका। अब अपने टेस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेड बॉल हमने कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हमने चिकन को बाउल में डाल देना है इस तरह से। इसके अंदर हमने मायोनीज डाल देना है, एक कप हमने मायोनीज लेना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इतना हमने मायोनीज लेना है। हमने केचप लेना है, हाफ कप हम केचप लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना, इतना से ले लेंगे। अब इसमें हमने अपने मसाले डाल देने हैं, दड़ा मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल देना है। उसको भी हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, चिकन को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें हमने अपना सोया सॉस भी डाल देना है, हाफ टी स्पून सोया सॉस है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मायोनीज, केचप वगैरह मसाले में सारे में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने शिमला मिर्च डालनी है, अपने खीरे डालने हैं। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें बंद गोभी डालेंगे, हाफ हाफ करके डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने, और टेस्ट कर लेना है कि किसी चीज़ की कमी है तो वो हम डाल लें। हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया, अभी हमने इसे साइड पे कर देना है, और अपने जो ब्रेड हैं उनको हमने, उनकी जो साइड्स हैं इनको हमने कटिंग कर लेना है। ज़्यादा नहीं, हमने इनको ज़्यादा कटिंग नहीं करना, बिल्कुल लाइट सी इस तरह से हमने इनको कटिंग करना है। और जिसकी साइड है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है और इसका कॉट करना है हमने ब्रेड बॉल्स के ऊपर। इस तरह से कटिंग कर लेनी है, इसी तरह हमने सबको कटिंग कर लेना है। ये सब हमने इस तरह से हमने रेडी कर ली है ब्रेड्स को, और जो ये वाले हैं इसके हमने छोटे छोटे पीसीस कर लेना है इस तरह से, फिर हमने इनको ग्राइंड कर लेना है मशीन में। ब्रेड के जो कॉर्नर से मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है, आपने भी इतने से उनको ग्राइंड कर लेना है। तो हम अपना स्टार्ट करेंगे। ब्रेड को हमने पानी में डिप करना है, दोनों साइडों से इस तरह से डिप करके हमने इसमें से पानी निकाल देना है इस तरह से। सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से करना है। इस तरह से इसमें से पानी निकालना है सारा। फिर इसके अंदर हमने अपना जो है मसाला डाल देना है, इतना सा। इसको फिर हमने इस तरह से बंद कर लेना है, बॉल बना लेना है इसका। इस तरह से पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकलेगा इसमें से। इस
इस तरह से बॉल बना लेना है। अब हमने इसको कवर करना है इसके साथ, अच्छे से साथ साथ दुबाना है, साथ साथ इसको कवर करना है इस तरह से। जब हम इसे कवर कर लेंगे फिर बाद में हमने इसको इस तरह से करना है। इसको हमने हीट करने के लिए रख दिया, थोड़ी देर इसे हम हीट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने बॉल्स को फ्राई करेंगे। अब हम अपने ब्रेड बॉल जो हैं वो फ्राई करेंगे। पहले हमें हाई फ्लेम पर रखना है, फिर बाद में हमें लो कर देना है ताकि जो है वो जले ना इस तरह से। इनको हमने फ्राई कर लेना है लाइट ब्राउन से, हमने इनका कलर करना है बिल्कुल इस तरह से, आराम आराम से करना है ताकि ये टूटे ना। इस तरह से हमने लाइट ब्राउन करना है इनका कलर। ब्रेड बॉल जो है वो रेडी हो गए हैं, अब हमें इनको निकाल लेना है डिश में। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। इस तरह से निकालने हैं, जलने नहीं देना हमने इनको, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन सा कलर रखना है। ये देखें इस तरह का हमें रखने हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो रेडी होगी। ब्रेड बॉल हमारी रेसिपी जो है वो आज की बन गई है। ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी के हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़े के, मायोनीज़, केचप, इसमें शवारमा टेस्ट आता है, इसमें बहुत ही मज़े के होते हैं। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, लव, पीस।